नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है लुसेंट बुक का वीडियो पार्ट 4। इससे पहले कि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट बुक के बारे में, उसकी समरी के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और जो भी फ्रेंड आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 में होगा केवल और केवल शैव धर्म के बारे में। देखिए, भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहते थे? शैव। एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते थे। जो शिव से संबंधित धर्म होगा उसको बोलेंगे शैव धर्म और जो पूजा करेंगे उनको बोलेंगे शैव। आगे बात करते हैं कि हम लोग शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था और हड़प्पा सभ्यता ये संस्कृति है, यहाँ से हमें स्वास्तिक की प्राप्ति हुई थी। स्वास्तिक कौन सी संस्कृति की देन है आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आपको याद रखना है हड़प्पा संस्कृति की। देखिए, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख करा गया है और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। जो जो वर्ड इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि हाइलाइट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं, आप उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए और उससे संबंधित फैक्ट आप याद करिए। आगे हम बात करते हैं वामन पुराण के बारे में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या टोटल 4 बताई गई है। ये है पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक थे लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। अगला जो केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपका महाव्रतधर। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं। मतलब जो मनुष्य का जो कपाल होता है, खोपड़ी होती है, उसको खोखला करके उसी में क्या करते हैं, भोजन, जल और सुरापान करते हैं। अपने शरीर पर क्या करते हैं, चिता की भस्म मलते हैं, इसको बोलते हैं भभूति। ठीक है, अपनी बॉडी पे ये लोग क्या करते हैं, पूरी बॉडी में क्या करते हैं, ये लोग अपनी एक भस्म रम लेते हैं, मल लेते हैं। जैसे एक पाउडर होता है, पाउडर पूरे लोग पूरे बॉडी में लगाते हैं, तो उसी प्रकार से ये लोग भस्म मतलब भभूति पूरे बॉडी में ये लोग लगाते थे। इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे महाव्रतधर। अगला जो फैक्ट है, देखिए बाकी के फैक्ट आप पढ़ सकते हैं बट मैं केवल उन्हीं फैक्ट की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। ये फैक्ट अगर आप लोग याद करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम जीएस आपकी कवर हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके बाकी के फैक्ट आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टाइम काफी कम है आप लोगों के पास में। मैं अच्छे से जानता हूँ इसलिए मैं केवल उतना ही कवर कर रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है। देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। आप याद रखना, यहाँ से एक ना क्वेश्चन बनता है कि एलोरा मंदिर या फिर कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आपको याद रखना है राष्ट्रकूटों ने। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हुआ है। किस शासकों की मुद्राओं में शिव और नंदी का एक शांत चित्रण मिला है, अंकन करा गया? तो यह है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। अगला देखो धर्म है वो है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म से धर्म के विषय में अगर हम बात करें कि प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त हुई उपनिषदों से और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ था। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान क्या था, मथुरा। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और आंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख याद रखिएगा, कहां पर मिलता है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख? विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए थे, ठीक है, उसका उल्लेख मिलता है आपको
मत्स्य पुराण में 10 अवतार कुछ इस प्रकार थे: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कलिक। ये इनके 10 अवतार थे। 10 अवतारों में आपके नाम नहीं पूछेगा क्या नाम था, लेकिन पूछ सकता है कि आपके आपसे एग्जाम में कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहां पर मिलता है। तो ये मिलता है आपको मत्स्य पुराण में, आप याद रखिएगा मत्स्य पुराण में। अगला है फैक्ट, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किस बात को दिया जाता था? भक्ति को। आप याद रखिएगा कौन सी बात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी वैष्णव धर्म में? वो मिलती थी भक्ति को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस्लाम धर्म, तो इसलिए इस्लाम धर्म के तो आप कम से कम एक नोटबुक और पेन उठा दो प्लीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके पास बेसिक आपके नोट्स बनने वाले हैं। ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, मैं अगेन कह रहा हूँ, जो जो वर्ड हाइलाइट्स करे हैं उनको आप नोटबुक में नोट करें और उनसे संबंधित बात को पूरी लाइन से खुद रीड करें। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास है आपको ये लूसेंट बुक को तरीके से फिनिश कराने का। मैं चाहूँ तो उसको वन टू वन, लाइन टू लाइन पढ़ सकता हूँ, लेकिन कमेंट्स ये आते हैं कि सर ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई न्यूज पढ़ रहे हो, थोड़ा समझाओ। तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट पे थोड़ा फोर्स कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। केवल ये आप नोट्स में लिखिए, ठीक है। उसके बाद इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम था अमीना। देखिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें कि हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी गुफा का नाम क्या था? इनकी गुफा का नाम था हीरा, आप याद रखिएगा इनकी गुफा का नाम क्या था? हीरा। आगे बात करते हैं कि मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी और उसके द्वारा इसको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। पुत्री का नाम था फातिमा और उसकी मैरिज हुई थी, मतलब इनके दामाद का नाम था अली हुसैन। अली हुसैन नाम बहुत फेमस नाम है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अली हुसैन क्यों फेमस है, क्यों पर्सनैलिटी इतनी फेमस है, मैं बताऊंगा आपको कुछ समय बाद इसी वीडियो में। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कि कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ इस्लाम धर्म का कौन सा है? वो है कुरान। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को। ये वर्ड्स एग्जाम में, एमटीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप इसको याद करिएगा। और उसके बाद इन्हें मदीना में दफनाया गया था। कहते हैं ना मक्का से मदीना की यात्रा, तो मदीना में क्या करा गया? हजरत मोहम्मद साहब को दफनाया गया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुनी तथा सिया नामक दो पंथों में डिवाइड हुआ। इस्लाम धर्म मृत्यु के बाद क्या हो गया? दो भागों में डिवाइड हो गया, एक कहलाया सुन्नी, एक कहलाया सिया। ठीक है, सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे। अब सुन्ना कौन है बात करते हैं। देखिए सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों पर तथा उनके कार्यों के बारे में लोगों को बताते थे। ठीक है, तो सुन्नी का काम ये हुआ। उसके बाद बात करते हैं सिया की। सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय संपत्त उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। उत्तराधिकारी उसके बाद कौन बने? वो बने अली, मोहम्मद अली जो थे, मतलब जो उनके दामाद थे, तो वो बने बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अली की भी डेथ कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कबीला नामक स्थान पर हुई। देखिए हत्या का सिलसिला चलते रहा, अली, अली के बाद उनके पुत्र। ठीक है, ना तो अली का नाम लेगा ना ही अली के पुत्र का आपसे एग्जाम में पूछेगा, बात करेगा खलीफा की। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो भी उत्तराधिकारी बने, जैसे कि उत्तराधिकारी बने थे मोहम्मद साहब के बाद में उनके अली मोहम्मद साहब जो उनके दामाद थे वो बने थे उत्तराधिकारी। उसके बाद में क्या हो गया, उत्तराधिकारी को क्या बोलते थे? खलीफा। और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1924 को ये लास्ट खलीफा थे। और 1924 में खलीफा पद किसने समाप्त करा?
ठीक है, ये थे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इस पद को, खलीफा पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आप याद रखिएगा 1924, और खलीफा पद किसने समाप्त करा, वो कौन से शासक थे, तुर्की के शासक। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर क्या होता है, ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक की बात करी जाए, ये संस्थापक थे ईसा मसीह, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबल। आप याद रखिएगा प्रमुख ग्रंथ क्या है इनका, बाइबल। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ, बात करी जाए जन्म की, तो जन्म इनका हुआ जेरूसलम के निकट बैतलहेम नामक स्थान पर, और इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। बात करी जाए माता के नाम की, माता का नाम मैरी और पिता का नाम था जोसेफ। आप याद रखिएगा माता का नाम मैरी क्रिसमस बोलते हैं, तो माता का नाम मैरी था और क्रिसमस इनके जन्म पर्व में मनाया जाता है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम पहले 30 वर्ष उन्होंने क्या करी, एक बड़े के रूप में कार्य करा। ये एक बड़े थे बैतलहम के निकट नाजरेत में इन्होंने बिताए। 30 वर्ष तक इन्होंने क्या करा, एक बड़े के रूप में अपना कार्य करा। और ईसा मसीह के दो फेमस स्टूडेंट थे, दो फेमस शिष्य थे, एक का नाम था एंड्रयूज एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, उसका नाम क्या था, ये था रोमन गवर्नर और उसका नाम था पोटियंस। याद रखिएगा पोटियंस, ये एसएससी सीजर में कई बार पूछा गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे, आप नोट्स बना लीजिए, नोटबुक और पेन उठा लीजिए और इन सबको बड़े ध्यान से नोट करिए। अब बात करते हैं कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है, सिंबल क्या है या फिर प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक चिन्ह है क्रॉस। देखिए, ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते थे, वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। अब हम देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक ब्रह्मदत्त थे, इसकी राजधानी गिरिब्रज जिसको बोलते थे राजगृह थी। जरासंघ ब्रह्मदत्त का पुत्र था। ठीक है, जरासंघ कौन था, ये था ब्रह्मदत्त का पुत्र। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे, और उसके बाद वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया, और बिंबिसार ने राजगृह के निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, बिंबिसार ने मगध पर टोटल 52 वर्षों तक शासन करा। आप याद रखिएगा बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन करा, ये करा 52 वर्षों तक। आपसे शासन कितने वर्षों तक करा एग्जाम में ये भी कई बार पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कराया। आगे बढ़ते हैं, देखिए बाकी के पार्ट्स, बाकी के फैक्ट आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं बढ़ता हूँ फिलहाल इम्पॉर्टेंट फैक्ट की ओर, कि बिंबिसार की हत्या करी थी उसके पुत्र अजात शत्रु ने, और अजात शत्रु की भी हत्या उसके पुत्र ने करी थी, आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी थी, और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर ये बैठ गया। अजात शत्रु का उपनाम क्या है, वो है कुणिक, और 32 वर्षों तक मगध पर इसने शासन करा। और अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजात शत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था, और इसी की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाहीन ने की। ठीक है, इसका पुत्र कौन था, उदाहीन। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने करी, अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाहीन ने करी। कब करी, 461 ईसा पूर्व में कर दी, और वह बाद में क्या हो गया, गद्दी पर बैठ गया। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, उदाहिन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी, और उदाहिन कौन था, उदाहिन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदाहिन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके आमत्य शिशु नाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्त करके मगध पर शिशु नाग वंश की स्थापना की, और शिशु नाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित करी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया, और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। अंतिम राजा शिशुनाग वंश का कौन था, ये था नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक नंदीवर्धन बना अंतिम राजा, और उसके बाद में उसने नंद वंश की स्थापना करी। ठीक है, अब नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद।
और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, संस्थापक था इसका महापद्म नंद और अंतिम शासक था घनानंद। दोनों को नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करा और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना इसने करी। अब बात करते हैं हम लोग सिकंदर के बारे में। सिकंदर का नाम आप सभी ने सुना होगा। सिकंदर का जन्म की बात करी जाए तो इसका जन्म हुआ था 1365 ईसा पूर्व में और पिता का नाम था फिलिप, आप याद रखिएगा फिलिप। और इस सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। इनके गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम पूछा जाए तो ये थे अरस्तु। अरस्तु और सिकंदर दोनों का नाम बहुत जरूरी है अगर इस पॉइंट के बारे में हम बात करें सिकंदर के बारे में, तो अरस्तु का नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे या अरस्तु क्या थे, सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की डेथ कब हुई? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में। सबसे कम उम्र की अवस्था में किसकी डेथ हुई थी? वो हुई थी सिकंदर की। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? वो था निर्याकस। अब हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसका संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जन्म के बारे में बात करी जाए, जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की, सहायता की, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य को क्या बोलते हैं? चाणक्य के काफी सारे नाम है। चाणक्य को कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, तीनों नाम एक ही है। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से था। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगला जो फैक्ट है वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आगे हम बात करते हैं मैगसनिस के बारे में कि सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था और जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। एग्जाम में आपसे यहाँ से ये पूछता है कि मैगसनिस किसके दरबार में भारत आया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त के दरबार में। और ये किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का। मैगसनिस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था इंडिका। ये बुक काफी फेमस बुक है, इस बुक का नाम आप स्किप मत करिएगा। बात करते हैं आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था प्लूटार्क ने कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को विदाई के समय 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ जो हुई थी वो हुई थी 298 में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में अगर हम लोग काफी बात करें तो बेकार होगा, लेकिन हम केवल उसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार हुआ और 298 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर यह बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। बिंदुसार का एक दूसरा नाम भी है जिसकी जो नाम है अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है या फिर वारिसार कहा गया है।
नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नामक राजदूत भेजा, इसे ही मैगसनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन धर्मों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा गया है, किस नाम से इसको नामकरण करा गया है, इसको बोला गया है सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दो विद्रोह का वर्णन। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा और उसके बाद में भेजा अशोक को। देखिए बिंदुसार जो था वो अशोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि इसके स्किन पर बहुत सारे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट थे, दाने थे पूरी बॉडी में। और सुसीम जो था काफी सुंदर था दिखने में, वो चाहता था बिंदुसार की सारा साम्राज्य वो सुसीम को दे, इसका भाई था ये। लेकिन वास्तव में इसको युद्ध की कोई भी नॉलेज नहीं थी, वास्तविक ज्ञान जो था वो अशोक के पास में था। बाकी इसकी बहुत लंबी कहानी है अशोक की, वो किसी और समय आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं फिलहाल आगे। देखिए इसमें जो फैक्ट है वो है आपका अगला फैक्ट कि बोध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है तारानाथ। और ये कौन थे? ये थे बोध विद्वान। अब हम बात करते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार का पुत्र अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने से पहले वो कहाँ का राज्यपाल था, एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है अशोक जो था अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट जो फैक्ट है वह मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम वास्तव में अशोक था, ये कहाँ से मिलता है भाई? ये मिलता है मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में। अब बात करते हैं पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही क्या करा? इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कलिंग के राजा उस समय कौन थे? वो थे खारवेल। इन दोनों के मध्य कलिंग का युद्ध हुआ और जिसमें अशोक की विजय हुई, ठीक है। और उसके बाद कलिंग की राजधानी थी तोसली पर इसने अधिकार करा। उसके बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया। कौन से बोध गुरु इसके सामने आए जिन्होंने इसको प्रवचन दिए और उसके बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का? तो उनका नाम था उपगुप्त। वो नाम भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको उपगुप्त, आप याद रखिएगा, इसको नोट करिएगा। अगला जो है देखिए, आप नीचे देखिए यहाँ पे इस बुक में आई गया, देखिए उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अगला जो फैक्ट है, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में चार गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम था, चार गुफाओं का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। अशोक का पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता के बारे में बात करी जाए, माता का नाम था सुभद्रांगी, शुभ्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपने पुत्र संघमित्रा को कहाँ भेजा? ये भेजा श्रीलंका में। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले शिलालेख शिला पर लिखी गई लेखनी वो किसने स्टार्ट करी थी? वो करी थी अशोक ने। किसने करी थी? अशोक ने। और अशोक के शिलालेख आप याद रखिएगा, टोटल कितनी लिपि हैं इसके अशोक की? यह है ब्राही, करोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। यहाँ से बनता है आपका रीजनिंग में कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कि इसमें से और छाटी है, विषम क्या है। आपको तीन लिपि का नाम देगा, भाई है करोष्टी और ग्रीक, और चौथी कुछ और देगा। ऐसा हुआ है 2012 के सीजल एग्जाम में, ये जीएस में नहीं बल्कि ये क्वेश्चन आया था आपका रीजनिंग में। तो इसलिए आपको ये चारों लिपि याद रखनी है, इसको नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में, और इसको टाइम से रिवाइज करना। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख। अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से
ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में डिवाइड करा गया है, तीन भागों में डिवाइड करा गया है अशोक के अभिलेखों को। पहला जो अभिलेख है वो है शिलालेख, शील पर लिखा हुआ लेख, पत्थर पर लिखा हुआ लेख, स्तंभ लेख, एक स्तंभ बनाया, एक पोल बनाया, उस पर एक लेख लिखा, उसको बोलते हैं स्तंभ लेख, एक गुहा लेख। तो ये तीन लेख थे। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले जो करी थी वो करी थी 1750 ईस्वी में, वो करी थी आपका पाद्रेटी फेंथेलर ने, ठीक है, ये करी थी 1750 में। इनके अनुसार शिलालेख की संख्या क्या थी, 14 थी, 14 थी, लेकिन ये पढ़े नहीं गए, शिलालेख को रीड नहीं करा गया, तो इसलिए इनका नाम छिप गया। इनका नाम फेंथेलर का नाम छिप गया। अशोक के अभिलेख पढ़ने में जो सफल व्यक्ति रहा, पहली सफलता जो प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 1837 में, वो किसने रीड करा, ये करा जेम्स प्रिंसप ने। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, किसने रीड करा, अगर एग्जाम में ये पूछेगा, या फिर किसने सफलता प्राप्त करी अशोक के अभिलेख को पढ़ने में, तो आप याद रखिएगा उनका नाम, उनका नाम है जेम्स प्रिंसप, और कब करी थी, 1837 में। देखिए शिलालेख मिल तो गए थे 1715 में, 1750 में मिल तो गए थे, लेकिन रीड नहीं करे गए। रीड किसने करे, ये करे जेम्स प्रिंसप ने, इसलिए ये दोनों ही फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय क्या क्या थे उनके बारे में। देखिए जो शिलालेख जो पहला था उसमें जो अशोक ने निंदा करी वो करी पशु बलि की निंदा, पशु की हत्या करना बहुत बुराई वाला कार्य है, ये पहले शिलालेख में उसने लिखा। दूसरा शिलालेख में इसने वर्णन करा, अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। जब हम दूसरा शिलालेख पढ़ते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि अशोक ने आदमी मतलब मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का व्यवस्था करी थी अपने शासनकाल में। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए तीसरा चौथा पांचवा छठा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है आपका सातवां और आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। किसमें, यह है आपका सातवां और आठवां। उसके बाद हम बात करते हैं ग्यारहवें अभिलेख के बारे में, ग्यारहवें शिलालेख के बारे में, इसमें धम्म की व्याख्या करी गई, और बारहवें शिलालेख में इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात करी गई थी। तेरहवां शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट शिलालेख है, तेरहवां शिलालेख में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन करा, किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, कौन से गुरु या कौन से भिक्षुक उसके सामने आए, उन्होंने क्या क्या प्रवचन दिए, ये सब की सब स्टेटमेंट हमको मिलती है अशोक के तेरहवें शिलालेख में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, चाहे आप MTS का एग्जाम दे रहे हो, LDC का एग्जाम दे रहे हो, CHS का एग्जाम दे रहे हो, CGL का एग्जाम दे रहे हो, CPO का एग्जाम दे रहे हो, SI का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, तो तेरहवा शिलालेख आप याद कर लीजिए अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके। बात करते हैं चौदहवें शिलालेख के बारे में, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि हर मनुष्य को अपना एक धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, शिलालेखों की संख्या कितनी थी, ये हमने देखी टोटल मिलाकर के 14। अब बात करें स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7, जो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और ये जो संख्या है टोटल मिलाकर के, देखिए आप 1, 2, 3, 4 प्रयाग स्तंभ लेख में क्या कहा गया ये बताया गया है, लेकिन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। आगे हम बात करते हैं कौशाम्बी के बारे में, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, रानी का अभिलेख कौन सा अभिलेख को कहते हैं, तो वो कहते हैं कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, उसका नाम क्या, उसका नाम है रुम्मुदेही, रुम्मुदेही। और सबसे लंबा अगर अभिलेख की बात करी जाए तो वो है सातवां, अशोक का सातवां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सारे कोना, इसको बोलते हैं कंधार अभिलेख, ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, 12 हो सकती थी, 16 होती थी, और किसी किसी मंत्री परिषद में कभी कभी 20 सदस्य भी होते थे।
प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या थी टोटल 5। प्रांतों को चक्र कहते थे, प्रांतों को चक्र कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जिसका मुखिया कौन होता था? ग्रामिक। ग्राम का मुखिया ग्रामिक होता था। और आगे बात करते हैं, मैगसनीस के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 भागों में डिवाइड था, समितियों में डिवाइड था। उसके 5 सदस्य थे, 6 × 5 = 30। टोटल कितने मेंबर हो गए? 30 मेंबर यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिलहाल यहाँ पर इस सेक्शन के बारे में, मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तराप्रत की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापंत की राजधानी थी सुवर्णगिरी। और प्रासी की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये आप नोट करिए और इसको याद करिएगा। आगे हम बात करते हैं कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुना अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे, और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सेनापति। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहते थे। क्या कहते थे? संचार। अशोक के समय जनपदीय न्यायालयों के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका येलो पार्ट। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था सीता भूमि से। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को कहते थे अदेव मात्रक, अदेव मात्रक। मैगसनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, विभाजित करा है। 7 वर्ग कौन कौन से हैं? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वैश्यवर्ती को अपनाने वाली महिला को बोलते थे रूपाजीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? टोटल 137 वर्षों तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिए इसका नाम, इसका नाम है ब्रह्मदरथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। किसने डाली थी? ये डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। और जहां से फैक्ट बनता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था ब्रह्मदरथ। और मौर्य शासन कितना? 137 वर्षों तक रहा। तो इस वीडियो को एक बार और वॉच करिए ध्यान से, और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो भी हैं येलो पार्ट्स में, आपका येलो से जो भी हाईलाइट कर रखा है, इन सबको आप नोट करिए। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और जो भी फ्रेंड आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और उसके तुरंत बाद उसके बाजू में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको डेडिकेटेड प्रॉपर जाना पड़ेगा हमारे चैनल पर, देखना पड़ेगा वीडियो कौन सा अपलोड हुआ है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही रहेगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको सब्सक्राइब करने के बाद भी डेली के 2 नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल को अनसब्सक्राइब करें, दोबारा से सब्सक्राइब करें, क्या पता आपने इस बेल आइकन पर क्लिक ना करा हो। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।